हेलो फोक्स, आई जस्ट मेक अ वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल वी आर परफेक्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम करने वाले हैं आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 ऐसे। एक सैम्पल क्वेश्चन मैं लूंगी आपके सामने एंड स्टेप बाय स्टेप हम पूरा ऐसे लिखेंगे एंड उसी के साथ आपको पता चलेगा कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है एंड ऐसे लिखते समय आपको कैसे कनेक्टर्स को यूज़ करना है एंड कैसे आप बिना रिपीट किए सफिशेंट नंबर ऑफ कनेक्टर्स आप बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड आज हम करने वाले हैं ओपिनियन ऐसे। सो क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन है, मैनी पीपल नाउ डेज ट्रेवल अब्रॉड फॉर देयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आज के समय में बहुत सारे लोग अब्रॉड मूव करते हैं फॉर देयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन और देयर हायर एजुकेशन। व्हाई डू पीपल डू दिस एंड व्हाट विल यू कंसीडर डूइंग दिस योरसेल्फ? ओके, गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। ओके, अब मेन क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू पीपल डू दिस, लोग ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली हमारा मेन क्वेश्चन ये है। एंड वुड यू कंसिडर डूइंग दिस योर सेल्फ मीन्स आपका इस बारे में क्या राय है, इनडायरेक्टली आपका ओपिनियन पूछा गया है कि क्या आप भी इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ओके, सो इट मीन्स वाई डू पीपल डू दिस, दिस इज योर मेन क्वेश्चन। एंड वुड विल यू प्रेफर कंसिडरिंग इट डूइंग टू योर सेल्फ मीन्स आपने अपने ओपिनियन पैराग्राफ में देना है कि आप क्या इस ऑप्शन को चूज करेंगे, अगर करेंगे तो उसका क्या रीजन रहेगा, नहीं करेंगे तो क्या रीजन रहेगा। ओके, सो गाइज, इस तरह के ऐसे में हमने बोला है कि अगर आपका बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट 7+ है तो मिनिमम 3 BPs आपको बनाने रहेंगे। ओके, एंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन फर्स्ट बीपी, बीपी मीन्स बॉडी पैराग्राफ, देन आपने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ बनाना है, देन आपने थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनाना है जिसमें आपका ओपिनियन रहेगा, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी इस तरह के एसे की। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन का देखिए मेन मोटिव क्या होता है, इंट्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है, एक तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको हमने पैराफ्रेज करना रहता है। सेकेंडली, जो आपके एसे की लेआउट होगी, मतलब अपकमिंग पैराग्राफ्स में आप क्या लिखने वाले हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन क्लियर कर देता है एग्जामिनर को। सो आपके इंट्रोडक्शन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। एंड येस, हमने ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं अपने एसे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के समय में अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रेफर टू गो अब्रॉड फॉर देयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये हमने कर दिया पैराफ्रेज क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि आज के समय में बहुत सारे लोग मूव करते हैं बाहर फॉर देयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। द रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड ऑफ ट्रेवलिंग अब्रॉड इन ऑर्डर टू गेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन आर, अभी हम रीजंस बताएंगे कि क्या रीजन है। हमने अपने इंट्रोडक्शन में ही ओपन कर दिया है कि क्या मेन रीजंस हैं जो हम अपने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट रीजन इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड रीजन इज एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। वहाँ पर अलग अलग तरह के कल्चर एंड लैंग्वेजेस को हमें जानने का मौका मिलता है। दिस इज द सेकेंड रीजन हम जो सेकेंड बीपी में एक्सप्लेन करेंगे। आई पर्सनली बिलीव दैट, अभी आपने अपना ओपिनियन देना क्योंकि आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस चीज़ के फेवर में हैं, क्या आप इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। सो आई पर्सनली बिलीव दैट मूविंग अब्रॉड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज द गुड आइडिया बिकॉज इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू बी इंडिपेंडेंट। अब मैंने बता दिया कि मेरा रीज़न क्या है, मेरा रीज़न है कि मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑप्शन जो है मेरी फॉरेन में पढ़ने का लेती हूँ तो आई थिंक आई विल बिकम मोर इंडिपेंडेंट। ओके, सो आपका कोई भी एक रीज़न हो सकता है। लेट अस डिस्कस दीज रीजंस बिहाइंड ऑप्टिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन अब्रॉड इन डिटेल फॉलोइंग बाय माय ओपिनियन इन कमिंग पैराग्राफ्स। अभी हम इन जो आइडियाज़ को हमने दिया है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे इन अपकमिंग बॉडी पैराग्राफ्स। सो ये हमारी होगी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट बीपी कैसे बनेगा। सो देखिए, हमारी हर एक जो सेंटेंस स्टार्ट होगी दैट विल स्टार्टेड विथ अ कनेक्टर ताकि आप कोहरेंस एंड कोहेजन आपके ऐसे में बना रहे। सो टू बिगिन विथ हमारा कनेक्टर हो गया, तो हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट आइडिया। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ पीपल टू अब्रॉड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज दैट The infrastructure of universities is better as compared to the universities in their native countries.
अब लोग क्यों मूव करते हैं यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उनके अपने देश में उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह की वो चाहते हैं. सो फॉर दैट दे मूव करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उनको बेटर ऑप्शंस वहाँ पर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके. देखिए, आपने ऐसे को हमेशा ऐसे लिखना है, फर्स्ट लाइन शुड बी अबाउट द आइडिया ओनली. एक बॉडी पैराग्राफ में आपने एक ही आइडिया देना है, हॉच पॉच नहीं करना है. एक आइडिया दे दिया, फिर आपने उस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. ओके, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. टू एक्सप्लेन कॉमा, ये हमने कनेक्टर यूज कर लिया. आपने देखा, हमने पहला सेंटेंस सारा कॉम्प्लेक्स बनाया है दैट के साथ. ओके, टू एक्सप्लेन, एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रेफर टू गेट एजुकेशन फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज विच आर हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, हॉस्टल, पार्किंग फैसिलिटी, लेबोरेटरीज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सो दैट वन कैन लर्न इन बेटर वे. अब मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी से क्या मतलब है. तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये है कि वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छा हॉस्टल हो, अच्छी पार्किंग फैसिलिटी हो, एंड वहाँ पर लैब्स अच्छी होनी चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी वाइज वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि एक स्टूडेंट एक अच्छे वे में लर्न कर सके. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया मेरे आइडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है. नेक्स्ट आपने एग्जाम्पल देनी है. सो गाइज, एग्जाम्पल इज मस्ट. एग्जाम्पल आपने हर बॉडी पैराग्राफ के एंड में देनी ही देनी है. इट इज मस्ट इफ योर टारगेट स्कोर इज 7+ और 8+, तो उसके लिए तो मस्ट ही है. सो एग्जाम्पल्स के लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना लूंगी कि किस तरह की एग्जाम्पल्स होंगी. मैं आपको एक सैम्पल, एक सेटअप बना के दे दूँ एग्जाम्पल्स का, जिसमें आपने सिर्फ अपने टॉपिक को फिल करना रहेगा एंड आपके पास एक बने बनाए सेट्स रह जाएंगे एग्जाम्पल्स के. सो आई विल कवर इट इन डिफरेंट वीडियो. तो अभी हम ऐसे की एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं. सो हमने लिया है एक सर्वे. टू एग्जाम्पलीफाई कॉमा, एग्जाम्पलीफाई, टू एग्जाम्पलीफाई क्या हो गया हमारा अभी एक अगेन कनेक्टर. अ सर्वे कंडक्टेड बाय यूएन इन 2015 ऑन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएस रिवील दैट बिकॉज ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दीज यूनिवर्सिटीज वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड 90% of the students studying in these universities were from foreign countries. So guys, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो भी example हमने देनी है past में देनी है, क्योंकि वो चीज़ already हो चुकी है, इसीलिए वो example है, right? तो कभी भी गलती नहीं करनी है कि आप example बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप उसको present में या कोई और word, आप future का word use कर लें, so that will be wrong. आपने totally उसको past में लिखना है. इस तरह से हमने example ले ली. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एग्जाम्पल आपने जब भी लेनी है उसमें कुछ एक सेट ऑफ होता है कि डाटा होना चाहिए, कि क्या क्या डाटा होना चाहिए, कौन टाइमिंग होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, प्लेस का नेम होना चाहिए, वो सब मैं एग्जाम्पल वाली वीडियो में कवर कर लूँगी. सो अभी आप नोटिस करिए कि इस एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या कवर किया है. सो मूविंग टू नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ. अभी हमने देखिए इस पूरे बॉडी पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाए हैं. एग्जाम्पल में भी हमने कोशिश करी है कि हम सीसीडी बनाएं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, एंड हमने एक आइडिया लिया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसकी एग्जाम्पल दी, करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट वीपी, नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ. सो स्टार्ट करते हैं इन एडिशन कॉमा. देखिए हमने नेक्स्ट कनेक्टर यूज किया इन एडिशन. द सेकेंड मेजर रीजन बिहाइंड द ट्रेंड ऑफ ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज दैट. अब रीजन देना है हमने क्यों. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू नो अदर कल्चर्स एंड फॉरेन लैंग्वेज. जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि द सेकंड रीजन इज नोइंग अदर कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, तो दिस कुड बी द अदर रीजन फॉर मूविंग टू द अदर यूनिवर्सिटीज और मूविंग टू द यूनिवर्सिटीज इन अदर कंट्रीज. ओके, ये मेरा आइडिया था, अब मैंने इसको क्लैरिफाई करना है. टू क्लैरिफाई कॉमा. देखिए हमने प्रीवियस में अलग कनेक्टर यूज किए थे प्रीवियस बॉडी पैराग्राफ में, इस बॉडी पैराग्राफ में हम कोई भी कनेक्टर रिपीट नहीं कर रहे हैं. टू क्लैरिफाई कॉमा, व्हेन स्टूडेंट्स मूव टू फॉरेन कंट्रीज फॉर स्टडी इट इज ऑब्वियस दे गेट चांस टू इंटरेक्ट विद लोकल पीपल एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इट एनहेंसेस देयर नॉलेज अबाउट अदर कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. सो देखिए जब भी कोई स्टूडेंट मूव करता है किसी अदर कंट्री में, इट इज ऑब्वियस वो वहां पर रहते हैं, तो वहां पर उनको अपना रहने का सब काम करने रहते हैं, तो लोकल पीपल के साथ तो इंट्रैक्शन उनका मस्ट है, होता ही होता है. प्लस वहां पर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज रहती हैं वहां पर अदर कंट्रीज के लोग भी आते हैं, तो उनको एक्सपोजर मिलता है टू वेरियस कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस.
इससे क्या होता है, वो और जानते हैं दूसरे कल्चर के बारे में एंड लैंग्वेज के बारे में, एंड अल्टीमेटली उनकी नॉलेज इनहेंस होती है। सो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, अभी हम एग्जाम्पल कौन सी ले रहे हैं, रिसर्च। पहले हमने सर्वे लिया है, नेक्स्ट वीक में हमने रिसर्च ले ली। देखिए एग्जाम्पल हम जो भी लेंगे हम रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम हर एक तीनों बॉडी पैराग्राफ में सर्वे दे देंगे या फिर रिसर्च ही दे देंगे या फिर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल दे देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर बॉडी पैराग्राफ में टाइप ऑफ एग्जाम्पल, नेचर ऑफ एग्जाम्पल वुड बी डिफरेंट। ओके, सो इन दिस बॉडी पैराग्राफ टू इलस्ट्रेट कॉमा, देखिए हमने इलस्ट्रेशन के लिए भी कनेक्टर जो है रिपीट नहीं किया है। रिसर्च कंडक्टेड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन 2012 ऑन 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैनेडा रिवील दैट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इन मल्टी लैंग्वेज एज वेल एज आर मल्टी लिंग्वल एज वेल एज हैविंग वास्ट नॉलेज अबाउट वेरियस कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन अब्रॉड। देखिए कोई ब्रिटिश कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है उसने एक रिसर्च करी थी, हमने ऐसे बनाई है एग्जाम्पल कि 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर करी है उन्होंने, कौन से स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में पढ़ते हैं, मतलब कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, एंड उसमें क्या रिवील हुआ कि 95% ऑफ जो स्टूडेंट थे वहाँ पर वो मल्टी लिंगुअल थे, मतलब वो काफ़ी सारी भाषाएं बोलना जानते थे। ओके, या फिर जानते थे अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में, मतलब मोर देन टू, मल्टी लिंगुअल एज वेल एज हैविंग वास्ट नॉलेज अबाउट द वेरियस कल्चर्स। हमारा जो पॉइंट था, की पॉइंट था, वो था लैंग्वेज एंड कल्चर, तो हमने उसी को सस्टेन करना है थ्रू आउट योर बॉडी पैराग्राफ। अपने आइडिया में भी एक्सप्लेन करना है, आपकी एक्सप्लेनेशन में भी वो होना चाहिए, आपकी एग्जाम्पल में भी वही की वर्ड्स होने चाहिए। एंड हमारा की वर्ड जो पूरे ऐसे का है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो आपके हर सेंटेंस में होना ही चाहिए, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपने ऐसे नहीं करना है कि सनोनियम या वैरायटी के चक्कर में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ही आप खत्म कर दें अपने सेंटेंसेस में, आपके हर सेंटेंस में यूनिवर्सिटी एजुकेशन वर्ड होना ही चाहिए। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ। सो बॉडी पैराग्राफ थर्ड में आपसे पूछा गया था कि क्या ऑप्ट करेंगे आप, क्या ऑप्शन चूज करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन का फॉरन में, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो। तो देखिए जब भी इस तरह के ऐसे आता है जिसमें आपको पूछा गया है किसी चीज़ के में फेवर में है कि नहीं है, एंड आपका ओपिनियन भी पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो ऑलरेडी आइडिया दे दिया है आप उसी आइडिया को रिपीट करते जाएं। जैसे हम दो आइडियाज़ दे चुके हैं, फर्स्ट आइडिया हम दे चुके हैं कि वहाँ पर मूव करने से क्या है, वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में हमने आइडिया दिया कि उसको एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को फॉरेन कंट्री में पढ़ने से, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने से, एक तो उनको कल्चर के बारे में नॉलेज मिलती है, अदर कल्चर्स के बारे में, या फिर वो काफ़ी सारी अदर लैंग्वेजेस के बारे में सीखते हैं। तो अब हम दो आइडियाज़ दे चुके हैं, तो हमारा जो ओपिनियन होगा थर्ड बॉडी पैराग्राफ होगा, हम उसमें इन दोनों में से कोई आइडिया नहीं देंगे। अगर हम उस चीज़ के फेवर में हैं तो हमें कोई डिफरेंट आइडिया देना है, करेक्ट। सो माई आइडिया इज इन माई ओपिनियन कॉमा, ये मेरा कनेक्टर हो गया, इन माई ओपिनियन आई एजर दैट मूविंग अब्रॉड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज द गुड चॉइस एज इट मेक पीपल मोर इंडिपेंडेंट, मल्टी टास्किंग एंड कॉन्फिडेंट। सो इन जनरल मैं बात कर रही हूँ कि ये आपकी पर्सनैलिटी को डिवेलप करता है, राइट किस वे में करता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, मेरा की पॉइंट है, आपको मल्टी टास्किंग बनाता है एंड कॉन्फिडेंट बनाता है। सो टू एलेबोरेट, अब उसको एक्सप्लेन करना है हमने। To elaborate, it is obvious for the students studying in foreign universities to live far from their family members, which provides them an opportunity to survive independently, and it helps them to learn many skills like cooking, cleaning, and time management. सो गाइज मेरा पॉइंट ये था कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो कि फॉरेन में है, एंड अब कैसे बनते हैं उसको मैंने एलेबोरेट करना था। देखिए एलेबोरेशन के लिए भी हमने डिफरेंट कनेक्टर यूज़ किया है, हमने पहले दो बॉडी पैराग्राफ में टू एलेबोरेट नहीं यूज़ किया है, वहाँ पर हमने अदर कनेक्टर यूज़ किया है सिनोनिम्स के। ओके, सो मेरा ये पॉइंट था, उसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि देखिए जी जब हम बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो हमें खुद सारे काम करने रहते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ रहते हैं, हमें काफ़ी सारी यू नो हेल्प मिल जाती है कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एंड हमें उतना बर्डन नहीं रहता है। लेकिन जब हम बाहर मूव करते हैं, फॉरेन में मूव करते हैं, तो हम सारे काम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। तो इससे हम क्या क्या सीखते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंट होते हैं, हम अपना खाना बनाना खुद सीख जाते हैं, हम अपना जहाँ पर रहते हैं उस एरिया को क्लीन कैसे रखना है, एंड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट,
क्योंकि जब हम फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि आपने खाली सिर्फ पढ़ने जाना है, आपने अपना पढ़ना भी है, आपने ट्रैवल भी करना है यूनिवर्सिटी के लिए, एंड फिर आपने क्लासेस के बाद अपना स्टडी के लिए टाइम मैनेज करना है, फिर आपने वहां पर काम भी करना है क्योंकि वहां पर मिशन रहती है आपको कुछ घंटे काम करने की, एंड आपने अपने खाने का इंतजाम भी करना है, अपने रहने का भी सब देखना है, शॉपिंग का भी खुद देखना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो मेन स्किल है वो भी आती है। तो इस तरह से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक तरह से, अगर आप बाहर रहते हैं फॉरेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो ऐसा ये मेरा ओपिनियन था। टू साइट एन एग्जाम्पल, अब मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए क्या किया, टू साइट एन एग्जाम्पल, ये भी हमने नया कनेक्टिव यूज किया। देन अब मैंने कौन सी एग्जाम्पल ली है, पहले हमने एक रिसर्च कर ली है, हमने एक सर्वे कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ले लेंगे। An article written by Mr. Benjamin Bradley, the chief editor of the Washington Post in 1990 stated that people who studied in foreign universities were more independent as compared to the students who study in their local universities. अब जो लोग लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो उतने इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल रिटन बाय मिस्टर बेंजामिन ब्रेडली जो कि चीफ एडिटर थे द वाशिंगटन पोस्ट के। ओके, एंड इसको भी हमने 1990 में लिया है क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल हमेशा जो भी हमने एग्जाम्पल लेनी है उसमें सिर्फ ईयर ही लेना है, न्यूज़पेपर आर्टिकल का हम ये नहीं बता सकते कि तारीख भी, क्योंकि तारीख हमने कभी नहीं डालनी क्योंकि हम तो एग्जाम्पल बना रहे हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, लेकिन हमें एग्जाम में एग्जाम्पल देनी है तो इट विल लुक लाइक रियलिस्टिक, तो हमने सिर्फ ईयर देना है। एंड जिस भी आप पर्सन का नाम ले रहे हैं, जैसे मैंने बेंजामिन ब्रेडली का नाम लिया है, तो इट इज रियल, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कहानी है। ओके, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में काम किया है 1965 से लेके 1991 तक, तो इसीलिए मैंने जो वाशिंगटन पोस्ट का रेफरेंस दिया है तो मैंने आर्टिकल ले लिया 1990, तो ये भी करेक्ट है। तो अब एग्जामिनर को रियल लगेगी आपकी ये एग्जाम्पल। ओके, फिर अब देखिए, अब उनकी अक्टूबर 21 को 2014 में डेथ हो गई है, तो ऐसे नहीं है कि मैं 2015 में उनका आर्टिकल लिख दूं कि उन्होंने लिखा था, विच इज़ नॉट रियल। तो अगर एग्जामिनर देख भी लेता है कि बेंजामिन ब्रेडली कौन थे, अगर मे बी वो जानते भी हों, राइट, एंड वाशिंगटन पोस्ट तो आपको पता ही है, द वाशिंगटन पोस्ट कितना फेमस न्यूज़पेपर रहा है, इवन है, तो इसमें क्या है, आपकी जो एग्जाम्पल है वो रियल लगेगी क्योंकि ये अमेरिका का पेपर है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, एंड बेंजामिन ब्रेडली वहाँ काम करते थे, एंड वो 1990 में भी काम करते थे वहाँ पर, एंड उन्होंने बहुत सारे एरियाज कवर करे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, ऑलमोस्ट सब करे हैं जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, सो उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं उसके लिए, तो इसीलिए हम इनको फिक्स कर लेते हैं जब भी हमने कोई भी एग्जाम्पल देनी है न्यूज़पेपर आर्टिकल की, तो बेंजामिन ब्रेडली इज द बेस्ट आई थिंक एग्जाम्पल लेने के लिए। तो हमने ले दी एग्जाम्पल और हमने सारी जो इसमें हमने यूज करा है 1990, न्यूज़पेपर का नेम, पर्सन का नेम, तो ये सब क्या है, इससे हमारी एग्जाम्पल जो है रियलिस्टिक लगती है। ओके, सो मूविंग टू कंक्लूजन, सो कंक्लूजन में हमने क्या करना है, देखिए कंक्लूजन में वन थिंग वेरी क्लियर कि आपने कोई न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करना है। कंक्लूजन बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि सार, हमने जो लिखा है ऊपर ऐसे में उसी को हमने बस प्रिसाइज करके दो सेंटेंसेस में तीन में लिख देना होता है। सो हमने फर्स्ट तो दोनों बॉडी पैराग्राफ में क्या मेंशन किया है, टू इनकैप्सुलेट, देखिए ये भी कनेक्टेड है, कॉमा, देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज दिस चॉइस ऑफर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू द इंडिविजुअल्स। हमने इसको कंक्लूड कर दिया है कि भाई देखो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अब अपॉर्चुनिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गए, कल्चर को लर्न करना भी आ गया, लैंग्वेज सीखना भी आ गया, बेसिकली स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। देन आपने अपना जो ओपिनियन दिया था उसको कंक्लूड कर दीजिए, आई बिलीव दैट इट इज़ अ गुड आइडिया टू मूव अब्रॉड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन ऑर्डर टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। अब हमने जो बॉडी पैराग्राफ में थर्ड में बीपी में हमने मेंशन किया था कि मेरा जो पॉइंट है कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं, तो वही हमने यहाँ पर उसको पैराफ्रेज करके लिख दिया, दैट्स ऑल। तो इसके बिना हमने कुछ न्यू ऐड नहीं करना है, कोई न्यू आइडिया नहीं करना है, कुछ भी नहीं ऐड करना है, राइट? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को समझा एंड उसको उसी वे में अटेम्प्ट किया। देखिए सिंपल आइडिया देना है, उसको एक्सप्लेन इन बेटर वे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगता है यार, और कुछ नहीं मांगता, वो नहीं कहता कि आप बहुत सारे आइडियाज़ दे दो और बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर लो, और मतलब डिफिकल्ट नहीं करना है आपने चीज़ों को। कम्युनिकेशन बेसिकली आयस क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, आपको क्लियर चीज़ें कैसे शो करनी है, कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आइडियाज़ को, दैट्स ऑल, दिस इज आयस। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास, thanks for watching this video. If you are having any doubt in writing your essays, you can
सेंड योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. वी आर हैविंग इंस्टाग्राम पेज एंड फील फ्री टू कमेंट. एंड अगर आप अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज हिट द लाइक बटन. सी यू सून.